गाइस, इसे अनुकृति। तो आज हमारे 30 डेज वॉफल चैलेंज का डे 4 और आज हम बनाने वाले हैं जिम जैम बिस्किट का वॉफल। और ये आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप में से किस किस का फेवरेट है जिम जैम। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। देखते हैं कि इसका वॉफल कैसे बनेगा। वैसे हाँ, इसका रिक्वेस्ट हमारी सब्सक्राइबर शिल्पी वर्मा ने किया था तो उनको शॉर्ट आउट मिल गया। अगर आप चाहते हो कि आपको भी शॉर्ट आउट मिले तो कमेंट में बताओ कि हमें नेक्स्ट वॉफल क्या बनाना चाहिए। एनीवे, जस्ट लुक एट दिस। हमारे ये वॉफल देखने में अच्छा लग रहा, मतलब ये पूरा जैम मेल्ट हो गया। पर ना हमें लगा कि यार ये टूट जाएगा, थोड़ा गर्म में हमें निकालना नहीं चाहिए। पर हमने सोचा थोड़ा इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं, लेकिन ना हमें ना पेशेंस ही नहीं है, हमने गर्म में ही निकाल दिया, उसके कारण थोड़ा टूट गया। एनीवेज, देखते हैं खाने में कैसा लगता है। देख के तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन खाली जैम पूरा मेल्ट हो चुका है। और पता है कि मैंने खाया ना तो मुझे पहले पता नहीं चला कि कैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद लगा यार अच्छा है यार, मतलब कि थोड़ा सा, मतलब पता नहीं क्यों मुझे खट्टा हो गया था। एनीवेज, टेस्ट मुझे अच्छा लगा। सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, बताओ नेक्स्ट क्या बनाए। बाय।